प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिंडां विच रहिंदियां 2 करोड़ महिलावां नूं लखपति दीदी बनाउण दा टीचा रख्या है। अज अपने पार्लीमानी हल्के वाराणसी की ग्राम पंचायत बरकी विच विकसित भारत संकल्प यात्रा विच शमूलियत करदियां उन्हां कहा कि देश अते समाज की मजबूती लई महिलावां दा आर्थिक तौर ते खुशहाल होना लाजमी है। और वो हमारी लखपति दीदी है। और जब मैंने उनको कहा कि आप लखपति दीदी बन गई, तो उसने कहा कि साहब ये तो मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हमारे समूह में तो और भी 3-4 बहनें लखपति हो चुकी हैं और सबको लखपति बनाने का संकल्प किया है। यानी इस संकल्प यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश के गरीबों में महत्वपूर्ण बदलाव लिया है। जिहड़े लोग इलाज करवाने लिए सालों तो वंचित सन, वह हुण आसानी नाल इस योजना हेठ बिना किसी खर्च के वधिया इलाज करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभपात्रियों को अपील की कि जिहड़े लोग अजे तक इन स्कीमों तो वांझे ने उन्होंने जागरूक करने में मदद देन। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे।